सब्सक्राइब करिए पांडे जी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका एडमिशन यूपी पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ है और आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अप्लाइड फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन हैं और कौन कौन क्वेश्चंस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं या हर बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। आप इस वीडियो को देख के आप अपनी तैयारी बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा उन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, मापन और त्रुटियों में जो चैप्टर है उसमें केवल आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और दो तीन जो है वो डेफिनेशन है उसको आप फिनिश कर सकते हैं अपने आप से ही। और ये तीसरा जो चैप्टर है सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन है कि सदिश योग का त्रिभुज नियम समझाइए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छे नंबर में आपको आ सकता है, तो आप इसे अच्छी तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसका डेरिवेशन मतलब पहले समझा देना है कि सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे देना है और उसके बाद से उसका फुली डेरिवेशन कर देना है। और डेरिवेशन आ जाएगा तो उसका परिमाण और दिशा दोनों का डेरिवेशन करके आपको फार्मूला प्रूफ कर देना है। तो यहाँ पे आप अगर इतना कर देते हैं तो आपका पूरा जो है मार्क्स मिल जाएगा और आपका अच्छे तरीके से आंसर भी राइट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर वियोजन से आप क्या समझते हैं, समझा कर लिखिए। ये भी क्वेश्चन इस साल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं, 3 मार्क्स या फिर 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको केवल लिख देना है कि किसी वेक्टर का वियोजन से आप क्या समझते हैं और इसका मतलब एक दो उदाहरण लिख देना है या फिर आपको फार्मूला डिराइव कर देना है इसका, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर देना है, बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन बैंक आ चुका है मार्केट में, आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक अच्छा है, परफेक्ट है, या फिर जो आप चूज़ कर लें जो आपको अच्छा लगता है उस क्वेश्चन बैंक से आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर नोट्स बनाया जा रहा है स्कूल में तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि वेक्टर वियोजन से आप क्या समझते हैं। उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया होगा, या फिर विद्या हो या फिर बुक हो या फिर आपके नोट्स हो, ठीक है दोस्त। तो आप उससे अगर तैयारी करते हैं और जो जो क्वेश्चन मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ आप उस तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दो वेक्टरों के स्केलर गुणन के दो उदाहरण दीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं है, क्वेश्चन को समझना दोस्त एक बहुत बड़ी कला होती है। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन 1 नंबर में है और उसको अगर आप 2-3 पेज में करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का आंसर देना है, आपको उतना नंबर मिल जाएगा। अगर आप 2-3 पेज एक्स्ट्रा लिखते हैं तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा है कि दो वेक्टरों के स्केलर गुणन के दो उदाहरण दीजिए। तो सिर्फ आपको यही लिख देना है कि स्केलर गुणन मतलब आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का उदाहरण लिख देना है कि डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, तो डब्ल्यू बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, ठीक है। और दूसरा जो उदाहरण लिखना है कि पी इक्वल टू एफ इंटू भी होता है, तो पी इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर भी, ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है, आपका आंसर परफेक्ट रहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश और अदिश राशियों में क्या अंतर है। तो इसको दोस्त हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कॉलम बना के और दूसरा डेफिनेशन के आधार पे। तो डेफिनेशन के आधार पे आप कैसे करेंगे कि सदिश राशियां को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तथा अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप ऐसे अगर लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 अदिश राशियों के नाम लिखिए। ये बहुत सिंपल है, अगर आपको याद है तो आप लिख दीजिए,
नहीं याद है तो इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसमें ट्रिक की सहायता से बताया गया है कि आप अदिश और सदिश राशि को कैसी पहचान कर सकते हैं, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल आपको इसमें इतना ही लिखना है कि सदिश और अदिश राशियों के नाम निम्नलिखित हैं। पहले पे आपको लिख देना है जो अदिश राशि रहेगी और दूसरे पे जो अदिश राशि रहेगी, यानी कि चाल और आयतन फिलहाल आप लिख देंगे, या चाल द्रव्यमान लिख सकते हैं, जो भी आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि बल एवं दाब में कौन सदिश है तथा कौन अदिश है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे पेपर में, तो आप इस तरीके क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लीजिएगा कि बल और दाब में कौन से सदिश तथा कौन से अदिश राशियाँ हैं। इसमें देखिए कन्फ्यूज़न हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। उसमें आपको ट्रिक की सहायता से बताया गया है कि हाँ कौन सी राशि सदिश राशि को याद करने के लिए क्या ट्रिक है, अदिश राशियों को याद करने के लिए क्या ट्रिक है, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। और दोस्त डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों का लिंक उसमें मिल जाएगा। पिछली जितनी भी वीडियो हैं यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वो मिल जाएंगी। अगर आप यूपी बोर्ड के, अगर आपके भाई या कोई यूपी बोर्ड में पढ़ता हो तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो सो दोस्तों डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियोज़ रेगुलर मिला करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।